जिन लोगों को क्रिकेट में दिलचस्पी भी नहीं होती, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो वो दिलचस्पी खुद ब खुद आ जाती है। मैच है, खेल है, लेकिन ये खेल मैदान में किसी जंग से कम नजर नहीं आता। और अगर बात की जाए तो उत्साह पूरा है, जोश पूरा है, जज्बा पूरा है हमारे उन खिलाड़ियों में भी जो देश के लिए आज खेल रहे हैं, और मैदान में चीयर्स करने वालों के लिए भी। और हमारे साथ यहां पर भी कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से टीम इंडिया को लेकर शुभकामनाएं देते हैं, क्या कुछ मजबूती नजर आती है। जी, आपका नाम और क्या कहेंगे आज टीम इंडिया के लिए, इस मैच के लिए? मेरा नाम विकास है। जीतेंगे, हम यहाँ भी जीतेंगे और वहाँ भी जीतेंगे। ये यहाँ भी खेल रहे हैं तो यहाँ भी जीतेंगे और वहाँ भी जीतेंगे, आप क्या कहेंगे? चीयर फॉर इंडिया, इंडिया विल विन टुडे डेफिनेटली, एंड वी होप कि आज का मैच डेफिनेटली हम ही जीतेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सोच ही नहीं सकते हारने की, तो जीतना है। और इसलिए भी क्योंकि वर्ल्ड कप में अब तक टीम इंडिया का परफॉर्मेंस प्रदर्शन शानदार रहा है, पाकिस्तान को हमेशा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर प्राउड टू बी इंडियन, और इंडियन पाकिस्तान की अपना राइवलरी हमेशा ग्रेटेस्ट राइवलरी रही है, तो वी विश टू इंडियन टीम टू विन टुडे। जी, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली आज हम कई सेंचुरीज का भी वेट कर रहे हैं, स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली, और पूरा आज घर पे पार्टी का माहौल है और जबरदस्त चीयर्स करना है और पूरी फैमिली वेट कर रही है। अच्छा, इस बार एक चीज़ और देखी गई कि शतक खूब लग रहे हैं, बड़े स्कोर खूब बन रहे हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, बहुत लगा रहे हैं, इंडियन टीम वाले भी लगा रहे हैं और साउथ अफ्रीका की तरफ से भी लग रहे हैं काफ़ी। सारी टीमें मजबूत है, बाकी इंडियन टीम नंबर वन चल रही है, और इंडियन टीम में रोहित शर्मा बड़े अच्छे खिलाड़ी है, वो आज दोहरा शतक भी लगा सकते हैं, और इंडिया बेस्ट, इंडिया जीत गई तो आज पार्टी है और हम भी जीतेंगे आज। क्या बात है, तो आप एक बार जोर से चीयर कर दीजिए अपनी जीत के लिए भी, टीम इंडिया के लिए भी।